हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन टपल्स। टपल्स आपके क्या होते हैं और कैसे वर्क परफॉर्म करता है। सो टपल इज अ इम्यूटेबल इन नेचर। देखिए, आपका लिस्ट था वो आपका म्यूटेबल होता है, बट आपका टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। मीन्स एक बार आपने इसकी वैल्यू असाइन कर दिया, उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। सो आपका ये इम्यूटेबल होता है, लिस्ट आपका म्यूटेबल होती है। एंड टपल को आप लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन करेंगे टपल को। सेम लिस्ट की तरह ही ये वर्क करेगा आपका, बट इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन करेंगे। सो ये आपका सिंटेक्स है। यहाँ पर आपने वेरिएबल का नेम लिखा इक्वल टू, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट लिख देंगे एंड इसको प्रिंट कर देंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए अपने स्पाइडर को। न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे एंड इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। पहले फाइल सेव एज इज टपल फर्स्ट डॉट पी वाई सेव करेंगे आप। देन सबसे पहले हमें टपल बनाना है, तो माई टपल, मैंने एक वेरिएबल लिया माई टपल इक्वल टू, एंड टपल के अंदर आप यहां पर एलिमेंट को असाइन कर देंगे। सो असाइन कर दीजिए आप इस एप्पल ऑरेंज एंड देन बनाना। तो हमने यहां पर थ्री एलिमेंट ले लिए हैं एंड इसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट माय टपल। माय टपल को आप प्रिंट कर देंगे, सेव करेंगे इसको। देन आप रन कीजिए इसको, तो आप देखेंगे यहां पर ये टपल आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं और ये प्रॉपरली आपको फाइंड आउट हो रहा है एप्पल बनाना है। ये कंडीशन आपकी फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि कितने लेंथ का आपका ये बना हुआ है। देन यू कैन राइट, देन यू राइट हियर इज प्रिंट एंड लेंथ माय टपल। माई टपल आप यहाँ पर राइट अप करेंगे। लेंथ, लेंथ फंक्शन आपका होता है, ये प्रीडिफाइन है आपका, एंड यहाँ पर आप लिख देंगे माई टपल, सेव करेंगे इसको, देन रिटर्न करेंगे, तो ये आपको थ्री लेंथ का आपका टपल यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है। नेक्स्ट आपको टाइप फाइंड आउट करना है कि आपका जो भी आपने एलिमेंट लिखा हुआ है उसका टाइप क्या है। मान लीजिए आपको नहीं पता है, आप इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं कि टाइप आपका रिप्रेजेंट करे, टाइप आपने लिखा है टाइप माई टपल, टाइप माई टपल आप रखेंगे, सेव करेंगे इसको, देन आप इसे रन कीजिए। इसके बाद आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे ये टाइप दे रहा है क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका क्या, टपल। टपल आपका ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो इस टाइप से आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। सो ये आपके होते हैं टपल। टपल आप बुलियन फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, इंटीजर फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो ये आपके सिंपल एक टपल क्रिएशन है। थैंक यू स्टूडेंट।